हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। मेरा नाम अजीत नौटियाल है और स्वागत करता हूँ देवभूमि उत्तराखंड के एक सुंदर से गांव ग्राम सभा जगड़ गांव में। और दोस्तों, आज का ब्लॉग का शुरुआत करता हूँ अपने घर से ही। आप देख सकते हैं आज का मौसम कितना अच्छा है, बादल लगे हुए हैं और हल्का हल्का बारिश भी हो रही है। और मैं आपको आज का व्यू भी दिखाऊँगा। ये देखिए दोस्तों, आप कैसा मौसम आज का, ये देखिए चारों तरफ बादल लगे हुए हैं और पहाड़ियाँ तो आज बिल्कुल नहीं दिख रही है। ये देख सकते हैं, ये कद्दू की बेल है, देख सकते हैं अब कद्दू का सीजन भी होने वाला है। और देखिए दोस्तों, और ये गुलाब का फूल कैसे खिल रहा है दोस्तों, आप देख सकते हैं ये गुलाब का फूल। और ये बारिश से इसकी कुछ पंखुड़ियाँ झड़ भी गई है, ये देख सकते हैं। और ये देखिए आज का नज़ारा, देखिए दोस्तों ये मेरा घर है। और ये देखिए शेरू और टाइगर सो रखे हैं क्योंकि रात भर तो ड्यूटी करते भोंकते रहते हैं और अभी सोए हैं दोनों। ये देख सकते हैं आप, ये टाइगर है, ये शेरू है, बड़ी नींद ले रहे हैं, बड़ी प्यारी नींद ले रहे हैं दोनों। अब जाता हूं दोस्तों जो गांव का मुख्य पानी का जो बहुत पुराना धारा है। हमारे पहाड़ों में जब भी कोई शुभ कार्य किया जाता था, सबसे पहले या किसी भी शुभ कार्य में शादी बारात कोई भी प्रोग्राम हो तो उसमें धारा पूजन तो जरूर किया जाता है। तो दोस्तों मैं अभी लेके चलता हूँ आपको अपने गाँव के धारे पे, पनियारा धारा है जो हमारा। तो दोस्तों मैं घर से निकल गया हूँ और सबसे पहले मैं अपने गांव के पनियारा धारा के पास पहुंचूंगा और वहां से आपको वीडियो दिखाऊंगा। और ये देख सकते हैं रास्ता है हमारे गांव के धारे की तरफ का, और मैं आपको अपना गांव दिखाता हूं दोस्तों। ये हमारा गांव है दोस्तों, ये देखिए आप, ये कितना सुंदर गांव है दोस्तों, आप देख सकते हैं नीचे भी है। और ये है जो दोस्तों, ये अभी पहुंच गया हूँ मैं धार के ऊपर। ये धार है दोस्तों, गाँव की धार हर जगह होती है हमारे उत्तराखंड में, हर जगह धार तो हर जगह का नाम रहता ही रहता है। ये देखिए दोस्तों हमारा गांव कितना सुंदर है, और आज पहाड़ियां भी देखिए आप कितनी सुंदर दिख रही है, बादल भी लगे हुए हैं। और देखिए दोस्तों, मैं अपने गांव के पनियारा धारा के पास पहुंचने वाला हूं, पनियारा धारा यानी पानी का धारा। और दोस्तों हमारे उत्तराखंड में हर जगह कोई भी शुभ काम किया जाता है तो सबसे पहले या किसी भी कार्यक्रम में धारा पूजन जरूर होता है। और ये देख सकते हैं आप, ये हमारे गांव का धारा है, कभी भी शादी बारात होती है, कोई भी शुभ कार्य होता है तो ये धारा पूजन किया जाता है दोस्तों। और यहीं पे है, और आप देख सकते हैं यहाँ पे शिवलिंग भी है, और आप मैं आपको दिखाऊंगा। जय भोलेनाथ, हर हर महादेव शंभो। और दोस्तों आप भी एक बार कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखना और मैं आपको दिखाऊंगा। ये देखिए दोस्तों, ये यहाँ पे शिवलिंग है, ये है दोस्तों, ये देख सकते हैं आप, ये धारा है, यही जल चढ़ाया जाता है किसी भी शुभ कार्य में, शादी बारात होती है तो यहाँ पे विशेष पूजा की जाती है। दोस्तों मैं अभी जिस जगह पे हूँ यहाँ का नाम है नागणी, क्योंकि यहाँ पे हमारा पीछे सेरा है दोस्तों, पानी का सेरा है, नागणी सेरा यहाँ का नाम है दोस्तों, नागणी सेरा। और मैं आपको अब आगे दिखाऊंगा ये सेरा जहाँ हमारा रुपाई का काम होता है, मैं आपको दिखाऊंगा। ये है दोस्तों, यहाँ हमारा रुपाई का सेरा है, यहाँ हम रोपनी लगाते हैं। आप देख सकते हैं हमारी माताएं बहनें सब यहाँ अपने खेतों में काम कर रही है। और आज का मौसम देख सकते हैं आप कितना सुहावना है, बारीक बारीक बूंदे भी बारिश की हो रही है। और पहाड़ियां देखिए आप कैसे दिख रही है, कितनी सुंदर पहाड़ियां दिख रही है, आप देख सकते हैं काले बादल लगे हुए हैं। और देखिए ये बांस का जंगल है, चीड़ का जंगल है, हरियाली हरियाली दिख रही है चारों तरफ, आप देख सकते हैं कितना सुनहरा मौसम है दोस्तों आजकल यहाँ का है, जो हरा भरा सारी जगह हरा भरा ही है, आप देख सकते हो। जहाँ पे मैं अभी हूँ ये है नागणी, और ये ऊपर है दोस्तों, यहाँ के लिए बोलते हैं नागणी धार। और दोस्तों मैं अभी नागणी धार पहुंच के आपको दिखाऊंगा, बीच में मामा जी और की छानी पड़ती है, और उसके बाद मैं जाऊंगा जो हमारे गांव का दूसरा मुख्य धारा है, मैं वहां से भी आपको दिखाऊंगा वहां की वीडियो भी। और अब मैं चलता हूं वहां, और थक भी बहुत लग गई दोस्तों क्योंकि चढ़ाई बहुत है, और मैं आपको दिखाऊंगा। और दोस्तों ये रास्ता जाता है ऊपर धारी के लिए, और ऊपर मेरे ताऊजी और का मकान भी है। और यहाँ पे जो रास्ता ऊपर को जा रहा है ये मामा जी और की छानी के लिए जा रहा है, तो सबसे पहले मैं वहीं जाऊंगा मामा जी और की छानी में, और देखते हैं वहाँ मामा जी और क्या क्या कर रहे हैं। देखिए दोस्तों आजकल कद्दू की बेल तो सारी जगह होगी लगभग, और ये कद्दू का फूल आप देख सकते हैं,
कद्दू का फूल ऐसा होता है, आप देख सकते हैं। और देखिए दोस्तों, अखरोट का पेड़ है, अखरोट भी लगी हुई इसमें। कितने सुंदर सुंदर अखरोट लगे हैं दोस्तों। हमारे पहाड़ में अखरोट की खेती बहुत ज़्यादा होती है, अखरोट की फसल। और मैं आपको दिखाऊंगा ये खुमानी का पेड़ दोस्तों, मैं आपको दिखाऊंगा। देखिए दोस्तों, ये मामा जी की छानी दोस्तों, आप देख सकते हैं। और ये अखरोट का पेड़ भी इधर, और ये देख सकते हैं ये खुमानी का पेड़ है, आप देख सकते हैं ये कितना सुंदर दिख रहा है यहाँ। और ये मामा जी और ने घास अंदर रखी हुई है काट के, ये घास है दोस्तों। और ये यहाँ पे गाय भी अंदर बंदी हुई है, यहाँ अंधेरा होने के कारण दिख नहीं रहा। देखिए दोस्तों, ये मामा जी और की छानी है, ये अंदर कमरा है जहाँ खाना बनाते हैं, चूल्हा है, आप देख सकते हैं। अब मैं मामा जी और की छानी से घर जा रहा हूँ, वो ऊपर धारी की तरफ जा रहा हूँ, और मैं आपको दिखाऊंगा। ये देखिए दोस्तों, ये रास्ता है, और ये मैं मेन रास्ते पे आ गया हूँ दोस्तों। ये देख सकते हैं आप, ये सामने, ये यहाँ का नाम है नांगनी धार। ये देखिए दोस्तों आप, कितना बड़ा पत्थर है। और मैं पहुंचने वाला हूँ जो धारा है हमारा, यहाँ का नाम है मूलतोक। और ये जो सामने दिख रहा है दोस्तों, यहाँ का नाम मूलतोक है, जो कि घंडियाल सौड में पड़ता है। यहाँ का जो मेन नाम है वो है घंडियाल सौड। और ये धारा है जो दोस्तों, ये यहाँ पे है मूलतोक में धारा है। अब मैं आपको दिखाऊंगा ये धारा। ये देखिए दोस्तों, हर हर महादेव, जय शिव शंभो। ये देखिए दोस्तों, ये है यहाँ पे धारा जो हमारी रोपाई का मेन सोर्स है। यही पानी हमारे खेतों में रोपनी लगाता है। और ये देखिए दोस्तों, ये यहाँ से पानी निकल रहा है यहाँ अंदर से, और ये अंदर ये बना हुआ है, और ये टैंक है दोस्तों, इसमें पानी को इकट्ठा किया जाता है। और जैसे शाम को ये टैंक का रास्ता बंद किया जाता है जो पानी बाहर निकलने का, और सुबह इसे खोल दिया जाता है और खेतों में पहुंचाया जाता है यहाँ टैंक का पानी को रोपाई के लिए। आप देख सकते हैं ये टैंक है हमारा, यहाँ का नाम है दोस्तों मूलतोक में धारा है। और ये नीचे है दोस्तों, ये है नांगनी धार, ये देख सकते हैं आप, नांगनी है यहाँ का नाम, नांगनी और नांगनी की धार। और ये मामा जी का घर सामने आप देख सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, कितना सुंदर जंगल है, आप देख सकते हैं बांज का जंगल ज्यादा है दोस्तों, और चीड़ का भी बहुत है, आप देख सकते हैं चीड़ का ऊपर, और ये नीचे देखिए ये घना बांज है, बांज का जंगल बहुत है हमारे यहाँ, आप देख सकते हैं। ये जो है, ये इसे बासियां बोलते हैं दोस्तों, ये कभी भी चोट लग जाती है तो इसको पत्थर से कूट कर इसका रस अगर उस जगह पे डाल दिया जाए तो खून निकलना बंद हो जाता है, और वो दवाई का काम करता है बिल्कुल। ये देख सकते हैं आप, ये देखिए दोस्तों, ये रास्ते पे बड़े बड़े पत्थर हैं, आप देख सकते हैं कितना सुंदर व्यू है यहाँ पे। ये है मूलधार, यहाँ का नाम है मूलतोक, इस धारे का नाम जो है ये मूलतोक में है। अब मैं आपको लेके चलूंगा, मैं यहाँ ऊपर ताऊ जी और का घर है, तो मैं वहाँ जाऊँगा, वहाँ मुलाकात करूँगा ताऊ जी और से। वैसे अभी तो जंगल में गए होंगे गाय चराने, घास के लिए, लकड़ी के लिए, पर फिर भी देखता हूँ कोई ना कोई तो घर में मिल जाएगा। और ये देखिए ताऊ जी और का घर बन रहा है, नया घर बन रहा है दोस्तों ताऊ जी और का, मैं आपको दिखाऊंगा। ये देखिए देखिए दोस्तों, सेब के पेड़ लगे हुए हैं, और मक्की भी लगी हुई है यहाँ। ये पहुंच गया हूँ दोस्तों मैं ताई जी और के घर। ये देखिए ताई जी और का घर है दोस्तों, यहाँ का नाम घंडियाल सौड है, और रिद्धि सिद्धि छत के ऊपर है। बड़ी प्रणाम, और ठीक हो? हाँ तो नहीं आई वीडियो में थोड़ा, और ठीक है तो फिर बचपन ठीक हो। ये देखिए दोस्तों, कितना घना जंगल है यहाँ। और ये देखिए, ये सेब का बगीचा है यहाँ, अखरोट की भी है, ये छानी भी है पीछे यहाँ जहाँ गाय रखी हुई है। ये छानी देखिए दोस्तों आप, ये चाचा जी और की छानी है, और देखिए जहाँ ताई जी और की गाय रहती है, आप देख सकते हैं ये अखरोट का पेड़ है दोस्तों। और दोस्तों ये जो दो बछड़ी दिख रही है आपको गाय की, ये दोनों जुड़वा है, और ये तो मैंने पहली बार देखा है दोस्तों कि किसी गाय की दो जुड़वा बछड़ी हुई है। आप देख सकते हैं कितनी सुंदर है दोनों, आप देख लीजिए। और देखिए दोस्तों, ये हमारे पहाड़ हैं, ये हमारे जंगल हैं, कितना घनघोर जंगल है बांझ का, आप देख सकते हो। यहाँ बाघ का तो बहुत ही ज़्यादा खतरा है दोस्तों, बाघ तो दिन दोपहर में भी अटैक कर देता कहीं भी। और ये देख सकते हैं आप, ये लकड़ियाँ हैं,
हमारी माताएं बहनें सब जंगल से इकट्ठा करके लाती है लकड़ियाँ, जिससे कि खाना बनाने का काम करते हैं। और दोस्तों अब मैं यहाँ से चलता हूँ अपने घर की तरफ। अब अभी दूसरे रास्ते से घर जाता हूँ दोस्तों, और यहाँ बीच पर बुढ़ा जी और का घर भी पड़ता है, तो थोड़ा वहाँ वो भी फोटो दिखाऊंगा आपको वहाँ की भी। और अरे यार ये क्या हो गया दोस्तों, ये यहाँ तो बहुत ही भयंकर लैंडस्लाइड हो रखी है, तो पूरा रास्ता बंद रखा है। ये देखिए तो पूरा घर का पुस्ता नीचे आ रखा है, घर का चौक नीचे आ गया दोस्तों, सारी दीवार टूट गई है। अब देखिए आप यहाँ से कैसे जाया जाएगा ऊपर, यहाँ से तो रास्ता ही नहीं है यार, अब रास्ता बंद हो गया दोस्तों यहाँ से, अब कैसे जाया जाएगा यार, अब बताऊंगा मैं आपको। ये देखिए दोस्तों कितना भयंकर हो रखा है यहाँ से, इस बारिश ने बहुत ही नुकसान कर दिया है, बहुत ज़्यादा नुकसान कर दिया दोस्तों। आप देख सकते हैं किस प्रकार ये रास्ता टूट गया है, सारा खेत नीचे आ गया दोस्तों और रास्ता बंद हो गया, आप देख सकते हैं। ये मकान में जाने का रास्ता पूरी तरह से बंद हो गया दोस्तों, आप देख सकते हैं इस बारिश ने कितना भयंकर नुकसान कर दिया है। और देखिए दोस्तों ये ऊपर घर है, अब मैं आपको मकान भी दिखाऊंगा जो बुढ़ा जी और का मकान है। ये देखिए दोस्तों ये छानी है नीचे, और दोस्तों अखरोट के पेड़ तो हमारे यहाँ बहुत ज्यादा है, और ये देखिए दोस्तों फूल कितना अच्छा फूल है, ये देखिए कितना सुंदर फूल है, आप देख सकते हैं ये फूल। पर दोस्तों ये फूल घर से थोड़ा दूरी पे लगाना चाहिए, क्योंकि यहाँ सांप की बहुत ज्यादा डर रहती है, यहाँ ये फूल होता है वहाँ सांप बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। और ये है दोस्तों मकान, आप देख सकते कितना सुंदर मकान है, ये पहाड़ी करेले लगे हुए हैं, पहाड़ी करेले। और अब चलूंगा मैं, ये देख सकते दोस्तों आप, ये है ये दोस्तों पिंडालू के पत्ते, और यह है दोस्तों इसको बोलते हैं बिच्छू घास, यानी धुलन, पहाड़ में से धुलन बोलते हैं, ये बिच्छू घास की दूसरी प्रजाति है, ये भी खाने के काम आता है, बहुत अच्छी सब्जी होती है इसकी, बहुत टेस्टी होती है सब्जी। और ये दोस्त देखिए दोस्तों आप अखरोट लगे हुए हैं, अखरोट तो बहुत है हमारे यहाँ, देखिए मामा जी और नीचे छानी में बैठ रखे हैं। तो दोस्तों अब मैं घर पहुंच गया हूं, और आज के व्लॉग को करता हूं यहीं पे समाप्त, और तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना न भूलें। जय देव भूमि उत्तराखंड।